नमस्कार। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र हमारे में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये 2019 का आखिरी महीना चल रहा है और आने वाले नए साल का आगाज हर कोई बड़े उत्साहित मन से करता है। 2020 में 24 जनवरी को शनि अपनी राशि से मकर में गोचर कर रहा है। धनु और मकर राशि में पहले से ही शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। जब शनि की राशि का परिवर्तन होता है तो सभी ये जानने के उत्सुक होते हैं कि उनके लिए यह ग्रह गोचर क्या प्रभाव देने वाला है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले साल 2020 में शनि की 7.5 किस राशि वालों पर क्या शुभ परिणाम देगी और क्या नुकसान करेगी। तो आइए जानते हैं। जय शनि महाराज कृपा। मेष राशि, आपके लिए शनि का ये गोचर शुभ रहने वाला है। इसके साथ ही आपको धन लाभ होने के भी आसार है। वृष राशि, शनि आपके लिए नवमेश या दशमेश होते हैं, आपके लिए भी शनि शुभ फलदायक होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। मिथुन राशि, अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ प्रभाव में है तो वे आपको शुभ फल देंगे। अगर अशुभ प्रभाव में है तो आपको कष्ट सहना पड़ सकता है। आपके लिए 2020 काफी कठिन साबित हो सकता है, मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। कर्क राशि, शनि का यह गोचर आपके लिए अशुभ फल लेकर आएगा। यदि इस राशि के जातकों की जन्म पत्रिका में शनि शुभ भाव में स्थित हो तो आपको शनि 7.5 व ढैया का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर 2020 आपके लिए खराब रहेगा। सिंह राशि, इस लग्न में शनि षष्ठेश व सप्तमेश होते हैं, जिस कारण आपके लिए शनि अशुभ फलदायक होते हैं। आपको 7.5 व ढैया की अवधि मिश्रित फलदायी होगी। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। संभल कर चलिए, 2020 आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कन्या राशि, कन्या लग्न में जन्मे जातकों के लिए शनि मिश्रित व सामान्य फल देने वाले हैं। इस अवधि में प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है माता पिता की वजह से, तो निश्चित तौर पर कन्या लग्न वालों का 2020 में प्रेम विवाह होगा, उन्हें सफलता मिलेगी। तुला राशि, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि शुभ भावों में स्थित हो तो आपके लिए 7.5 व ढैया बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगी। इस अवधि में तुला लग्न के जातकों को भूमि भवन एवं वाहन का सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी में निवेश फायदेमंद होगा, शेयर बाजार में निवेश भी फायदेमंद होगा। वृश्चिक राशि, आपको शनि की 7.5 से मिश्रित फल प्राप्त होगा। कभी लाभ हो तो कभी हानि भी हो सकती है। भाई बहनों से विवाद होते हैं, लेकिन भूमि भवन व वाहन सुख आपको 2020 में प्राप्त होगा। 2020 में भाई बहन से आपका विवाद हो सकता है, माता पिता से आपका विवाद हो सकता है। 2020 में आपको संभल कर रहना होगा। धनु राशि, इस लग्न के जातकों के लिए शनि मारक भाव के स्वामी हैं, जिस कारण आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में होने पर 7.5 ये ढैया के समय काफी कष्टप्रद रहेगा। आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी 2020 में। मकर राशि, आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होने पर आपको शनि की 7.5 व ढैया जो है मिश्रित फल देगी। 7.5 के पूर्व काल में आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर जो है यह आपके लिए मिश्रित रहेगा। कुछ समय लाभ हो सकता है तो कुछ समय हानि हो सकती है। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए शनि लग्नेश होने से शुभ फल प्रदान करेगा। 2020 में तरक्की होगी, नौकरी के योग बनेंगे। आपके लिए शनि की 7.5 शुभ होगी। कार्यवश यात्राएं आपकी सफलता का पैमाना छुएगी। आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे 2020 में। मीन राशि, आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में शनि आपको 7.5 व ढैया की अवधि में काफी लाभ प्रदान करते हैं। इस अवधि में आपको धन लाभ होगा। शेयर बाजार में निवेश भी 2020 में आपके लिए फायदेमंद है, साथ ही प्रॉपर्टी में निवेश भी आपके लिए फायदेमंद है। परिवार से आपके मधुर संबंध बनेंगे। तो मैंने आपको बताया 2020 शनि के गोचर से किस राशि को क्या लाभ होगा और किस राशि को क्या नुकसान होगा। शनि एक महत्वपूर्ण ग्रह है और इसका निश्चित तौर पर हमारे जीवन पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपके जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। यदि आप वास्तु ज्योतिष एवं तंत्र संबंधी परामर्श चाहते हैं तो साईं अन्नपूर्णा सोशल फाउंडेशन की वेबसाइट www.gurumanishsai.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
2515049 पर भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यह जरूर है कि काफी समय लगता है क्योंकि 1000 से 2000 लोग प्रतिदिन संपर्क करते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो या भाग्य बाधा, चाहे करियर की चिंता हो या शादी की समस्या या वैवाहिक जीवन में सुख की कमी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, पाइए अपनी समस्त समस्याओं का ज्योतिषीय एवं वास्तु के सरल एवं लाभकारी उपायों से समाधान। विश्व के सबसे अनुभवी प्रख्यात वास्तु ज्योतिष विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरु श्री मनीष साई जी परामर्श एवं वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें साई अन्नपूर्णा सोशल फाउंडेशन 156 सहयोग विहार बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश 4961795049 9425150498।